तो इन्वेस्टमेंट करने के कई तरीके थे, लेकिन साल 2000 से पहले ट्रेडिशनली लोग दो ही तरीकों को फॉलो करते थे, या तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दो या तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दो। लेकिन साल 2004 से लेकर 16 के बीच में ये इन्वेस्टमेंट स्लोली आउटकम के हिसाब से अच्छा रिटर्न देने लगी। लेकिन साल 2017 के बाद बिटकॉइन इंट्रोड्यूस हुआ एक रैंसमवेयर अटैक के जरिए, जब दुनिया को पता चला कि एक और टेक्नोलॉजी है जो इनोवेशनली ग्रो कर रही है, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करके अच्छा आउटकम ले सकते हैं। लेकिन साल 2021 से 23 ही वो साल थे जहां पर पूरी दुनिया से स्कैम के नाम से जाने लगी, जब लूना और एपटेक जैसे क्रैश करे क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म और क्रिप्टो एसेट्स। यहां पर जो एक चीज गौर तलब करने वाली है आपके लिए, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले R&D और उसका यूज केस, प्रोजेक्शन, यूटिलिटी जरूर चेक कर ले। इसके बाद भी उस प्रोजेक्ट ओनर की नियत पे मैटर करता है, यहाँ पर लक हमेशा काम नहीं करता है। आप क्रिप्टो करेंसी को कैसे देखते हो, ये कॉइन है, ये टोकन है? नहीं, आपको अगर देखना है तो आप इसे फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से टेक्नोलॉजी के हिसाब से काउंटर कीजिए, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है बिटकॉइन, इथेरियम, और एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की तरह काम करेंगे, ऑन चेन डेटा के लिए प्रोवाइड करेंगे आगे चल के फ्यूचर में। अगले 10 सालों में जो बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ये प्राइस आपको जो दिख रहे हैं, ये अप टू 25 से 500x के बीच में आपको रेगुलेट होते दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑन चेन डेटा काम कर रहा है ब्लॉकचेन पे, जहां पर एडॉप्शन अभी भी आप नहीं, अभी सिर्फ 7% ग्लोबली लोगों ने अडॉप्ट करा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे राय बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ख्याल रखें अपना। जय